इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लखनऊ में सीए विरोध प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की सड़क किनारे लगी फोटोग्राफ तत्काल हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और आयुक्त को निर्देश दिया। पोस्टर लगाए जाने को लेकर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अदालत ने संवते संज्ञान लिया था और पूछा था कि क्या वो सार्वजनिक स्थान और नागरिक आजादी पर अतिक्रमण नहीं कर रही। कल इसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत को ऐसे कृत्य का संवित संज्ञान नहीं लेना चाहिए जो ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन ने उनके नाम पते वाले होर्डिंग्स लखनऊ में कई जगहों पर लगाए हैं। पुलिस ने करीब 50 लोगों की पहचान कथित उपद्रवियों के तौर पर की है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें हैं उसमें कांग्रेस नेता सदर जाफर और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुर भी शामिल हैं। उन होर्डिंग्स में आरोपियों के नाम, फोटो और आवासीय पतों का उल्लेख है। इसके परिणाम स्वरूप नामजद लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफी आशंकित हैं और ऐसे वक्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। अब लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटा नहीं होंगे। अब देखना होगा कि योगी सरकार क्या फैसला लेती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।